माइक। तो फिर मेन कंपोजिशन का हमने सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट किया है, मेन कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ से कस्टम ले लिया है 1920x1080, या जितने फ्रेम रेट पे चाहिए, 24 फ्रेम रेट, 25 फ्रेम रेट, जैसा अगर आपको चाहिए, 60 फ्रेम रेट पे चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा 60 पे, है ना। तो मतलब अभी हम 25 फ्रेम रेट रखते हैं बाई डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज और आती है कि अगर मैं कुछ और लेता हूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें आती है, आप स्क्वायर पिक्सल्स रखना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रिपीट करा दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। मुझे 10 सेकंड का कंपोजिशन चाहिए, कितने सेकंड का कंपोजिशन चाहिए, तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। मान लो मुझे 15 सेकंड का कंपोजिशन चाहिए, तो 15 सेकंड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट मुझे ब्लैक की जरूरत है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट ब्लैक बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है। आप ओके करोगे तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक के साथ एक कंपोजिशन आ गया है, ठीक है। यही कंपोजिशन पे यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन हुआ है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन का नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंट ग्रिड तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट से मैंने हटा रखा है, ट्रांसपेरेंट मुझे नहीं चाहिए, ब्लैक भी सही है, ठीक है। अब इस वाली क्लास का सिर्फ ये मतलब है कि हम लोग कैसे वीडियो इंपोर्ट कराते हैं, कैसे फुटेज को इंपोर्ट कराते हैं, और कैसे उनका यूज करते हैं, ठीक है। वीडियो, फुटेज और टेक्स्ट, इनके साथ मास्किंग का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसका टॉपिक ये है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल आपका यहाँ पे होता है ऊपर, प्रोजेक्ट पैनल पे यहाँ पे डबल क्लिक किया। आप डबल क्लिक करके जहाँ भी आपने अपना फोल्डर रख रखा है उस फोल्डर में चले जाइएगा। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रख रखा है आफ्टर इफेक्ट्स नाम से न्यू क्लास, ठीक है। तो मेरे पास ये आफ्टर इफेक्ट न्यू क्लास नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे मुझे एक इमेज इम्पोर्ट करानी है, मान लो कि मुझे ये लॉइन वाली इमेज इंपोर्ट करानी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो इसका साइज देखो यहाँ पर लिख के आ जाता है, इसका साइज ये है, ठीक है। मिलियंस ऑफ कलर्स है इसमें, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर लिख के आ जा रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है आपको, ठीक है। अगर आपको ड्रैग करना है मेन कंपोजिशन के अंदर, तो ड्रैग करके आप ड्रॉप कर देंगे तो मेन कंपोजिशन पे आ गया। लेकिन देखो क्या हुआ है ना, कि ये कंपोजिशन का साइज अलग था पीछे वाले को, तो हमें ऐसे करके स्केल करना पड़ेगा, वो भी शिफ्ट दबा के। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लो हमने जिस साइज की इमेज ली है ना, उसी साइज का हमें कंपोजिशन चाहिए, या जिस साइज की वीडियो ली है ना, उसी साइज का हमें कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ से कंपोजिशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने न्यू आके न्यू कंपोजिशन करके ऐसे नहीं करने की जरूरत है। आप सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास अभी कोई भी कंपोजिशन नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने अपनी फुटेज इंपोर्ट करा ली, ठीक है। मैं जो भी फोटेज इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, मैंने ये वाली लॉइन वाली करा ली, इसको ड्रैग करना और कंपोजिशन वाले आइकन पर ड्रॉप कर देना। देखो तो अब जो कंपोजिशन बना है ना, वो इसी साइज का बना है, ठीक है। कंपोजिशन अब भी है, लेकिन वो उस साइज का है जिस साइज की इमेज है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर टू स्क्रीन किया है। अब देखो मास्क क्या है, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया है, मास्किंग के बारे में मैंने पहले बताया, तो जैसे इमेज पे भी मास्क लगा सकते हो आप, ऐसे मैंने मास्क लगा लिया। तो मास्क लगाने का क्या मतलब हुआ कि उतने ही एरिया में दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है, उतने ही एरिया में, जितने एरिया में ये मास्क है। अगर आप तो इस तरीके से मैंने क्लिप मास्क किया। आप क्लिप मास्किंग करने के बाद जब भी मास्क के बारे में पहले पढ़ाया है, ठीक है, वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। मास्क जैसे मैं क्या करता हूँ, मास्क का साइज चेंज कर सकता हूँ, मास्क को फेदर कर सकता हूँ, देखो मास्क को फेदर कर सकता हूँ, ये चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। मास्क की ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकता हूँ, मास्क को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये देखो कम या ज्यादा कर सकता हूँ, एक्सपेंड इन आउट दोनों तरफ एक्सपेंड कर सकता हूँ। इस तरीके से हम मास्क किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। इस इमेज पे मास्क को डिलीट करना है, मास्क को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये मास्क हो गया, ठीक है। मैं पेंटून की हेल्प से भी मास्क लगा सकता हूँ, जैसे मुझे इस लॉयन को ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास पेंटून है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं इस तरीके से, ठीक सही पॉइंट्स लेना ले लेता हूँ, अपना कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी मास्क डिसलेक्ट हो गया था, मास्क ये करना है, ठीक है। और ये पॉइंट्स चल रहे थे, ये पॉइंट्स का कंटिन्यू उठा लो दोबारा से, ठीक है। ये
ये सेकंड मास्क लेने लगा, दिक्कत हो गया। तो फिर से करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने नेक्स्ट मास्क लिया, ठीक। फिर मैं इसको कट कर दिया यहाँ से, ठीक। फिर मैंने इस तरीके से लिया, जब भी मैं ये कट कर रहा हूँ तो देखना वो स्ट्रेट हो जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है उसका, मैं बाद में से सही कर लूँगा, ठीक। सिंपल आप इस तरीके से लगा दो अभी मास्क, ठीक है। ये इन पॉइंट्स को तुम बाद में भी ऐसे चेंज मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस एक ड्राफ्ट है, ठीक है। तो अब अभी मुझे जितने मास्क लगाया है मैंने, सिर्फ उतना ही एरिया विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से तुम कैसे भी मास्क को लगा सकते हो, ठीक है। ये बेसिक फंडा है मास्क का। जैसे मैंने ये इमेज पे अभी मास्क लगाया है, आगे आपको क्या है मास्क के बारे में और चीजें सीखने के लिए, जैसे मास्क है, ठीक है, ये तो इमेज थी। इमेज मैं दोबारा इम्पोर्ट कराना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, फिर से कोई इमेज लगाऊंगा, उस पर मास्क लगाना चाहता हूँ उस पर भी मास्क लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर सेम साइज का कंपोजिशन चाहिए तो मैं ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा, ये सेम साइज का कंपोजिशन आ गया। अगर मुझे यहाँ पे जो भी मास्क लगाना है, मुझे रेक्टेंगल में लगाना है, स्क्वायर में लगाना है, या फिर किसी अपने शेप में लगाना है, तो किसी भी शेप में मैं मास्क को लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वीडियो के साथ, सेम वीडियोस के साथ भी होता है। अब मुझे कोई वीडियो चाहिए, मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो का साइज है, जो भी इस वीडियो के कंपोजिशन में मतलब सेटिंग्स हैं, वही सेटिंग पे कंपोजिशन बन जाए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना कंपोजिशन पे, ये मेरे पास वीडियो आ गया, ठीक है। अब इस वीडियो के साथ क्या करना है ना, मुझे मुझे सिर्फ इतने एरिया को मास्क करना है। तो यहाँ पे भी आप मास्क लगा सकते हो, जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ से टूल उठाऊंगा सर्किल, मैं इतने एरिया को सेलेक्ट करूंगा, तो इतना एरिया में मास्क लग गया, ठीक है। तो इतने एरिया में मास्क लग गया, तो बस इस एरिया को फिक्स कर सकते हो आप। ये देखो मास्क इस तरीके से लगा सकते हो आप, ठीक है। अब ये एरिया में मास्क लग गया, अब बाकी फुटेज बाहर की नहीं दिखाई देगी। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप मास्क लगा सकते हो, किसके साथ, इमेज के साथ साथ वीडियो में भी, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस सब के साथ ऐसे मास्क लगाना बहुत आसान होता है, अगर किसी भी चीज को मास्क आउट करना है, ठीक है। ये तो हो गया मास्क की बात। अगर इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ और मुझे मल्टीपल इमेजेस चाहिए, एक साथ कराना है, डबल क्लिक करूंगा, फिर सबको इम्पोर्ट करना है मुझे, तो सब मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो सबको एक साथ सेलेक्ट किया, इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा, सारा लाइन वाइज यहाँ पे आ गया, एक साथ मैंने इम्पोर्ट करा लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ अपनी वीडियोज के साथ, ये मेरी फुटेज है, यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ लिख के आ रहा है। मान लो मैं ये वीडियो या फुटेज उठाना चाहता हूँ कोई, जैसे एंड वाली PNG, ठीक है। चलो दोबारा से एक बार लॉयन की इमेज नहीं उठाऊंगा, कुछ और लूंगा, जिससे मैं इस बार यही इमेज ले लेता हूँ। PNG ड्रैग किया और मैंने एक कंपोजिशन पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मुझे कोई फिक्स कंपोजिशन अभी नहीं चाहिए, सिर्फ ये कंपोजिशन, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना था कि मैं मान लेता हूँ कि इस कंपोजिशन पे, ठीक है, इस साइज का कंपोजिशन रखना, सबसे बड़े साइज का, ये साइज है कंपोजिशन का, ठीक है, इसको फिट कर देते हैं पहले तो। अब मुझे सॉलिड में ये मुझे चाहिए इस पर इमेज, तो मैं इस इमेज को क्या करूंगा, इस पर ड्रॉप करूंगा। तो देखो ये इमेज आ गई है, लेकिन इसकी लेयर ऊपर कर देंगे तो ये यहाँ पे दिखने लगेगी, तो ये इमेज यहाँ पे आ रही है, देखो, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से, ये लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मान लो ये, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये हैंड है, ठीक है। अगर तुम इस पर डबल क्लिक करोगे तो इस इमेज पे आ जाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे था, इस पर डबल क्लिक किया इमेज पे तो अंदर आ गया, पता तो लगना चाहिए तो किस फ्रेम पे रेज कर रहे हो, ठीक है। ये पहले फ्रेम पे रेज हुआ, सिर्फ पहले वाले फ्रेम पे, ये देखो ये सिर्फ पहले फ्रेम पे रेज हुआ, फ्रेम वन पे। अगर मैं ऐसे बैक आता हूँ तो इसको देखो कि ये यहाँ पे तो रेज हो गया अच्छा खासा, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये नेक्स्ट फ्रेम पे देखो इसका हाथ पूरा आ जाएगा, देखते हैं, नहीं आया है फिलहाल, सही है इस बार, सब कुछ सही है, क्योंकि इस बार पहले से ही हमने कंपोजिशन को फुल पे कर लिया है। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं किया था कि इसको छोटा कर दिया, स्टार्टिंग में रखा है या कोने में रखा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम आ गई थी,
जैसे हमने इसको रख लिया होगा और चेंज हो गया होगा, गलती से चेंज हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ था। तुम जब भी ड्रैग करना ऐसे ड्रॉप कर देना, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको ना छेड़ना, डबल क्लिक करना और आराम से रेजर टूल का यूज़ करना, सब पे हो जाएगा। पिछली बार कुछ गलती हुई थी, एक बार रेस कर दिया, ठीक है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। बैक किया मैंने, बैक किया, ठीक है, देख लेते आगे फ्रेंड्स में, सब पे देखो, सब पे रेज हो गया अपना, ठीक है। अब तुम इसको कितना भी बड़ा करके कैसे भी इसको ऐसे प्लेस करा सकते हो। तो इस तरीके से हम PNG इमेज या इमेज पे, जैसे मान लो ये लॉयन वाली इमेज, इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, इस पे मुझे कुछ इरेज करना, डबल क्लिक किया, इमेज पे आ गया, अब मुझे ये इरेज करना है, तो मैं इरेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इस पे ज़्यादा भी सही है, तो मैंने इसको ऐसे इरेज कर देता हूँ, रफ इरेज कर देता हूँ। ये सब मुझे नहीं चाहिए देखता हूँ, ठीक है, रफली इमेज कर सकता हूँ इरेज। ठीक है, अगर मान लो मैंने इससे ये इरेज कर दिया, तो देखो इस एरिया से ये इरेज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं उठा लूँ कोई और इमेज फुटेज, जैसे ये मान लो फुटेज, ये सबसे नीचे डालूंगा तो देखो, तो इसके पीछे वो इमेज आ रही है। अगर इसमें भी कुछ इरेज करना चाहूंगा तो इरेज करना इस तरीके से इरेज किया जाता है, और बैक आता हूँ तो तुम देखो वो इरेज हो गया। तो ऐसे तुम इरेज कर सकते हो किसी भी इमेज के साथ, ठीक है। मैं इन इमेजेस को हटा सक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमको इरेज करना तो आ गया। अब कोई वीडियो उठा लेते, मान लो मैं किसी वीडियो फुटेज पे आ जाता हूँ, ठीक है, सेम चीज़ है, ये वीडियो है पूरी, ठीक है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो कि इरेज करके इस चीज़ को, ठीक है, तो अब तुम बैक आओ, ठीक है, बैक आओ, तो ये देखो इरेज हो गया है, उतना एरिया ऊपर का एरिया वो इरेज हो गया, कहाँ से, यहाँ के आगे के सब में इरेज हो गया, देखो यहाँ से आगे का, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही कर देता तो और अच्छा था, मतलब अपने जब भी मैं इस वीडियो को ड्रैग करूँ और ड्रॉप करूँ, मैं स्टार्टिंग में आ गया और मुझे ऊपर का नहीं चाहिए। चलो इसके अलावा कोई और वीडियो उठाता हूँ, जैसे ये चाय वाली थी, इसको, ठीक है। अब कंपोजिशन का साइज डिफरेंट है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के करना है आपको, इसकी रेशियो ना चेंज हो, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आ जाऊंगा, मुझे बाहर का जैसे मुझे ये सब नहीं चाहिए या फिर ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। देखो कहाँ इरेज करना, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में लगा दो, ठीक है, मुझे इस साइड का ये नहीं चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ और ले लूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने इसे बैक किया, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हर जगह से उतना एरिया इरेज हो गया, देखो इस तरीके से तुम वीडियोस को पे भी इरेज कर सकते हो, ये यहाँ से इरेज हो गया इतना एरिया, ठीक है, वीडियो का इतना पार्ट इरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इरेज में आओगे तो तुम देखोगे ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है इरेज के बारे में, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इरेज कितना किया है, कैसे किया है, यहाँ पे पाथ अपने आप क्रिएट होता है, स्टार्टिंग एंड ये सब कुछ होता है। ये देखो इरेज को सेट कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग एंड पॉइंट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो, ठीक है, डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, देखो और ज़्यादा इरेज करना है मुझे, थोड़ा डायमेंशन थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, हार्डनेस को मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो हार्ड कर दिया इरेज, सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से राउंडनेस, ठीक है, जो मैंने इरेज की थी तो इरेजर का राउंडनेस यहाँ से आ रहा था, वो इरेजर का राउंडनेस, स्पेसिंग कितना होगा, ठीक है, फ्लो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। मैंने दोबारा इरेजर की यूज़ किया तो दूसरी बार टू इरेजर टू आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है, मेन तो ये है हमारा इरेजर। तो ऐसे हम वीडियो के साथ भी किस पर्टिकुलर एरिया को इरेज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आ गई कि फोटो में, इमेज में कोई चीज़ कैसे इरेज करनी है और वीडियोस के साथ कैसे इरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, कंपोजिशन को डिलीट करना है, जो ये हमारा ये ले रखा है हमने, ठीक है, ये सबको डिलीट कर देते हैं, ये कंपोजिशन भी अभी मुझे नहीं चाहिए। Thank you.